हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं रियल प्ले टेक्नोलॉजी चैनल। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज की अपडेटेड टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। जो पहली खबर निकल कर रही है वह है रियलमी डिजो वॉच 2 और वॉच प्रो से है। डिजो वॉच 2 आ गया है और इसमें जो कुछ स्पेसिफिकेशन आया है वो है कि डिजो वॉच 2 में 1.69 इंच का टॉच स्क्रीन डिस्प्ले है विथ 600 नाइट्स, और इसमें जो 24x7 हॉट रेटिंग मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग दिया गया है। इसमें 260 mAh का बैटरी दिया गया है और इसमें 15 स्पोर्ट्स मोड्स है और ब्लूटूथ वर्जन 5 दिया गया है इसमें। और जिसका प्राइस रखा गया है वो है 2999, और ये अवेलेबल होगा 22 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर और लीडिंग रिटेलर स्टोर पर। लिमिटेड पीरियड ऑफर है वो है 1999। जो डीजो वॉच प्रो है उसमें 1.75 इंच का HD टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, उससे थोड़ा बड़ा दिया गया है, और इसमें 600 नाइट्स का डिस्प्ले है, और इसमें ड्यू सेटेलाइट, GPS एंड ग्लोनास पर एक्यूरेट ट्रैकिंग ये सब दिया गया है ट्रैकिंग के लिए, और SpO2 मॉनिटरिंग है, हार्ट रेट सेंसर दिया गया है और स्लीप ट्रैकर दिया गया है इसमें। इसमें 19 स्पोर्ट मोड्स है 90, और इसमें जो बैटरी दिया गया है वो 390 mAh का है बैटरी दिया गया है, जो लगभग 14 दिन तक चलेगा। इसमें IP68 का रेटिंग है और ये ब्लैक एंड स्पेस ब्लू कलर में अवेलेबल है, और जो इसका प्राइस है वो है 4999 रुपी। जो अगली खबर निकल गई है वो सैमसंग गैलेक्सी S22 से है। इसमें 50 MP का Gn5 कैमरा यूज किया गया है, जिसमें प्रोसेसर यूज किया गया है वो एग्जिनस का 2200 है, और जिस इसमें कैमरा में 1 μm का पिक्सल साइज है। और जो सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra है ये सपोर्ट करता है 45 W चार्जर को, और इसमें जो बैटरी दिया गया है वो 5000 mAh का बैटरी है। जो तीसरी खबर निकल कर रही है वो Xiaomi Pad 5 से है। इसमें 11 इंच का डिस्प्ले दिया गया है विथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और इसमें Snapdragon 860 चिपसेट दिया गया है, और इसमें 6 GB का रैम और 120 GB का स्टोरेज दिया गया है, और जिस इसमें जो बैटरी दिया गया है वो 8720 mAh का बैटरी है, जो इसमें चार्जर दिया गया है और 22.5 W चार्जर है, बट ये सपोर्ट करता है 33 W चार्जर। जो अगली खबर निकल कर रही है वो सैमसंग का है, सैमसंग से है, सैमसंग गैलेक्सी S21 लाइनअप से। उसमें अपडेट आने वाला है, जो 1UI4 बीटा का अपडेट आएगा उसमें ई सिम सपोर्ट करेगा सिर्फ US में। जो अगली खबर निकल कर रही है वो iPhone 30 Pro से है। गीक बेंच पर इसका जो रिवील हुआ है, इसका जो GPU है परफॉर्मेंस उसका 55% iPhone 12 के GPU से है, और जो इसमें GPU है वो 5 कोर का है, और iPhone 12 Pro में 4 कोर का GPU था। iPhone 30 Pro और iPhone 30 Pro Max में जो GPU है 5 कोर का है, और जो iPhone 30 है और iPhone 30 mini है इसमें GPU 4 कोर का है, और जो स्कोर दिखाया गया है वो है 5 कोर GPU का 14260, जो 55% ज़्यादा है iPhone 12 Pro के GPU स्कोर से, जिसका स्कोर है 9123। और जो iPhone 30 और iPhone 30 mini है इसका GPU स्कोर अभी तक नहीं आया है। जो अगली खबर निकल कर रही है वो Nova 9 सीरीज से है। ये फोन लॉन्च होने वाला है सीरीज, जिसमें 6.72 इंच का डिस्प्ले होने वाला है, ड्यूल पंच होल OLED डिस्प्ले, और इसमें 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट होने वाला है डिस्प्ले का, और इसमें जो प्रोसेसर होने वाला है Snapdragon 778G होने वाला है, और इसमें क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है रियर साइड में, जो पहला है प्राइमरी 50 MP का, सेकेंडरी 8 MP का, टर्शियरी और क्वाड्री 2 MP का, और इसमें ड्यूल 32 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और इसमें जो बैटरी दिया गया है वो 3900 mAh का बैटरी है, जिसमें फास्ट चार्जिंग है, 100 W का चार्जर दिया गया है।
फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें अंडर डिस्प्ले है, और स्टोरेज ऑप्शन इसमें 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, और 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज दिया गया है। कलर से ओनली ब्लैक कलर ये फोन लॉन्च होने वाला है। जो अगली खबर निकल रही है IQ Z5 से है, इसमें 120 हर्ट्ज का 5 होल डिस्प्ले दिया गया है विथ स्टीरियो स्पीकर्स। यह फोन लॉन्च होने वाला 23 सितंबर को। जो अगली खबर आ रही है वो है OPPO Watch 2। इसका कुछ फोटो लीक्स हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि ECG एडिशन के साथ आने वाला है। ECG बहुत ही कम डिवाइस में देखने को मिलता है, और ये हार्ट बीट को मापने का एक सही तरीका है ट्रैक करने का। अच्छा होगा इस वॉच में आ जाएगा तो। जो अगली खबर निकल कर रही है वो रियलमी से है। रियलमी C25Y इंडिया में लॉन्च हो गया है आज, और इसमें जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है 50 MP का है, और इसमें बैटरी है 5000 mAh का और 18 वाट का चार्जर दिया गया है। इसमें डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का डिस्प्ले है, और जिसमें प्रोसेसर है वो इन्फिनिक्स का T610 प्रोसेसर है, और इसका जो जो वेरियंट में अवेलेबल है वो 4+64 GB और 4+128 GB। 4+64 GB का प्राइस है वो 10,999 रुपी है, और जो 4+128 GB है उसका प्राइस है 11,999। इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा फोन है ये 11,000 में। और जो अगली खबर निकल कर रही है वो रियलमी Narzo 50 सीरीज से है। ये फोन लॉन्च होने वाला जल्द ही इंडिया में, और इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो Helio G85 प्रोसेसर होने वाला है। ये फोन लॉन्च हो सकता है 20 से 25 सितंबर के बीच में। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए रियल प्ले टेक्नोलॉजी चैनल को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।